भूख लगा हुआ है बाबू ने खाना खाया। देखिए यहाँ पे प्रसाद वितरण का काम जिंदगी मेरी शहन आई हम बचे न रास्तों में जैसे हम शहन आई। यहाँ पे दूसरे माता का है मतलब लगभग वैसे ही मतलब यहाँ भी एक ये भी गली में बैठता है महाराजगंज देवी जी एक से एक चीज मिलता है भाई यहाँ पे। साइड से चलो यहाँ पे देख लो भाई ह्यूज क्राउड है और लाइटिंग भी बहुत अच्छा है लाइटिंग है बहुत चीज मिलता है देख लो क्योंकि सिटी में लाइटिंग का बहुत अच्छा काम होता है लाइटिंग प्लस साउंड बहुत चीज देखने को मिलेगा भाई। भाई यही यही गलत देख लो भाई तुम बंगाली बहुत ज्यादा साउंड देखना भाई साउंड इसलिए तो सिटी पॉपुलर है। तो भाई फिलहाल आ चुके हैं छोटी देवी पटन देवी में और यहाँ पे भी हम लोग पूजा प्रसाद लेना है पहले देख लेते हैं आ गया हो ना पहले प्रसाद ले लेते हैं तब आगे चलो यहाँ पे देख लो भाई भव्य रूप से सजावट हो चुका है और आओ इधर आओ। तो भाई देख लो लाइन लगा हुआ है ज़्यादा लाइन नहीं है भाई फिलहाल लग रहा है क्योंकि लाइन बहुत लंबा है अब 12:01 बज रहा है तो थोड़ा देखो भाई बहुत पुराना मंदिर है भाई कल भी इसका ब्लॉग बनाएंगे जय माता रानी वो कहते हैं श्री पटन देवी और बहुत सालों से आते जा रहे हैं हम देखिए भाई मंदिर का बहुत नया तरीका से कुछ किया ही जाते रहता है बहुत भाई अभी तो लाइन नहीं है दिन में तो बहुत क्राउड था यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था गिरा था जो वही पे भाई लाइन में लोगो ना मम्मी प्रसादी चढ़ा रही है हम लोग लाइन में लगे हैं इसको नींद आ रहा है कथा को लग रहा है आँख में लग रहा है नारियल चढ़ता है क्योंकि अब पहले अंदर चढ़ता था अभी सिनेमैटिक कुछ भी दे देते आप लोग दिखा देते चढ़ावा यहीं पे चढ़ता है भाई पहले जानता है अंदर चढ़ता था यहीं पे अब दशहरा को लेकर पट खुला हुआ जाने नहीं दे रहा अंदर देख लो भाई यही है माता का मंदिर जय माता सबको कष्ट इन्होंने मंदिर निर्माण में 101 का अरदास लगाया है मां की सभी मनोकामना जय माता दी कल भी आना है देख लो माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे भाई हम लोग और
मम्मी गई है प्रसाद चढ़ाने वहाँ पर। हाँ वो बंद हो चुका है इसलिए वहाँ बंद किए। बस क्या हुआ आओ इधर, खाली गोल लगना भाई वहाँ पे सर पटक लेना। मम्मी कहाँ गई? गुलाब जल छिटा जा रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान दिया जाता है भाई। पार्वती माता का कटा था जो 51 को एक यहाँ पे गया था भाई, बहुत पुराना मंदिर है, फिर से रीपेंट होते रहता है, बहुत सारा अंदर अभी काम ही चल रहा है, बहुत सारा अगर काम चलेगा तो अंदर भी हम लोग को जाने का मौका मिलेगा। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत चीज होता है पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान का, पता नहीं शादी का नहीं पता है शायद होता ही होगा। जय माता दी, मां के एक प्यारे भक्त सब भाई यहां पे जो चौक के रहने वाले हैं मंदिर में मेरे माने 205 पुराने आता तक है और की सभी मनोकामना पूरी यहां पे प्रसाद चढ़ता है। और उधर हवन कुंड है, हवन कुंड के पास जाते हैं, माँ का सवारी है भाई यहाँ पे देख लो भाई। यही भाई हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है और हम लोग कल भी हवन ऑटो मेरा घुमा कर लिया देख लो भाई। घुमा तो यहीं पे होता है, हवन होता है माता का और हम लोग कर ही लेते हैं। जय माता हुआ फोड़ दी। मम्मी नारियल फोड़ रही है भाई माता का, नारियल यही चढ़ता है यहाँ पे प्रसाद में, यही मकुदाना नारियल ये सब। और फिलहाल अभी हम लोग का पूजा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बस निकलने वाले, शायद कल भी आएंगे, नौमी है। यही दोनों को देखिए, बालक को नींद आ रहा है, आँख में नींद है #। तो भाई जय माता दी। सुनिए क्या सुनिए, जय माता रानी। गलती सलती मात थोड़ा बुद्धि दीजिए इन लोग को, दोनों को कहाँ गया एक उसको तो जरूर दीजिए। आइए नीचे आप, पर नाम उनाम नहीं करना है डायरेक्ट यहाँ पे कल आके चढ़ावा चढ़ा देंगे। और तो भाई फिलहाल जय माता रानी, निकल रहे मंदिर से हम लोग, पूरा पूजा कम्प्लीट हो चुका है भाई। उल्टा पैर निकलना चाहिए माता का दरबार में कम से कम। नहीं कुछ कुछ खा सकती है? नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम बच्चा हो। चलो बाबू, बाबू सबको मेला घुमाने लाए हैं। गाड़ी चला चला के दर्द हो गया, चाबी रख लिया है, चाबी रख लिया है। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग का देख लो, यहाँ झूला लगा हुआ है, यहाँ पर ये झूला लगा हुआ है। हर्ष को मन कर रहा है झूलने का, मर जाकर भी कुछ बोल नहीं सकता झूलने के लिए। वही तो छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्ची हो क्या? देखो भाई ABC क्लब का मूर्ति मछुआ टोली का बहुत पहले फेमस मूर्ति था, पहले 151 मूर्ति बैठता था, अब आओ पहले 151 मूर्ति बैठता था, अब देखो यहाँ का हाल कैसा है। कोई नहीं, कभी एक एक मूर्ति का ये थी नाम रखाता था भाई, अब देखो अभी भी नाम रखाता है, बस थोड़ा सिंपल में हो गया जय माता रानी। कोई नहीं, मछुआ टोली का बहुत फेमस पंडाल था यार, मूर्ति बैठता था। देख लो
सब माता है, सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो गाइस। आगे बैलून का प्रतिमा है भाई, देख लेते हैं वहाँ का सीन क्या है। आओ मम्मी उसको बीच में रखो। तो भाई अंदर में बैलून का प्रतिमा है, तो देख लेते हैं भाई क्या आगे का सीन है। आओ इधर, बहुत क्राउड है, जाम लग गया भाई। पहले रहते थे भाई बहुत मज़ा आता था, एक टाइम था हम लोग रेंट पे रहते थे जब। अब यहाँ से देखो, यहाँ शिव मंदिर का ओम नमः शिवाय, यहीं पे बैलून का प्रतिमा है। चलो आओ। अब जी नींद आ रहा है, भूख लगा हुआ है बाबू को, बाबू को भूख लगा हुआ है, ऐसे तो भूख लगा हुआ है बाबू ने खाना खाया। देखी बाबू ने खाना खाया कर रहा है, बच्चा खो गया देख लो यहाँ पे सामने घूम रहा है। तो यहीं पे है भाई आगे बैलून का प्रतिमा, देखते हैं भाई कुछ अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ हर साल यूनिक रहता है। आगे देखो यहाँ पे तो दुर्गा माता का मूर्ति है, जय माता रानी, मतलब दुरुखी गली इसको बोला जाता है, ओम नमः शिवाय। देखो यहाँ पे है बैलून का प्रतिमा, हम भी कंफ्यूज में थे भाई कि बैलून मतलब फूल कर इतना देर रहस कैसे सकता, मगर बैलून नॉर्मल बैलून को चिपका दिया गया है बिना फुलाए हुए, अच्छा सीन है। हमेशा नया नया कलाकारी रहता है, कुछ नया नया रहना भी चाहिए। बड़ोबा गोल लागो आगे से घूम जाना, इधर सब गाड़ी घुसा देता बिना मतलब का, जानता नहीं हूँ। तो ये बैलून का प्रतिमा, और फिलहाल हम लोग देख ही गए भाई, बहुत अच्छा है कलाकारी, हमेशा कभी लीड हुआ प्रतिमा, कभी कुछ किसी चीज़ ना किसी चीज़ का रहता है ये प्रतिमा में। भूख लगा हुआ क्या कि खाना नहीं खाएगा कुछ? ये बोला है कि हम व्रत करेंगे आज से कल तक। आ यार हम लोग खाएंगे, तुम देखते रहना, साइड हो जाओ। गाड़ी तो पहली बार घुसा रहे तब भी नहीं मानेगा भाई, यहाँ एक से एक है चुतिया, निकालिए सबको, चुतिया का कमी नहीं है। तो गाइस फिलहाल बंगलिया खड़ा आ चुके हैं, यही का बात बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता के रीति रिवाज से होता है एक दिन पहले, और यहाँ पे भी बहुत ह्यूज क्राउड आता है। आज तो क्राउड कम है क्योंकि रात ज़्यादा हो गया है। तो भाई यही है बंगलिया खड़ा असली, ये कोलकाता का रीति रिवाज से लिए हुआ है। अच्छा ब्लॉग अच्छा बन जाएगा भाई, ब्लॉग में बने रहना, एक से एक चीज़ देखने को मिलेगा भाई इस नवरात्रि स्पेशल। लाइक का दिखाओ, लाइक का एंट्री का पंडाल का दिखाना भाई, व्यूअर्स को देखना है। तो बहुत क्राउड है भाई, यहाँ से देख लो तो पंडाल, और अभी भी माहौल इधर बना हुआ है, लगभग दो तीन बज रहा है, और अभी भी देख लो क्राउड कितना है लगभग। देखो हम लोग का हर ब्लॉग बना रहा है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत बना ही लेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग दरियापुर गोला के पास हैं, यहाँ से देखो कहाँ है, ज़्यादा नहीं बनाओ ब्लॉग भाई। तो फिर हम लोग का सफ़र अभी कंटिन्यू चलेगा, देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी टाइम के अनुसार चलेंगे क्योंकि अभी 2 बज गया है लगभग। और ये है गोल्ड हाउस दरियापुर, यहाँ भी मूर्ति बैठता है मंदिर में, मंदिर बहुत पहले ही से है भाई। यहाँ पे देख लो बड़ा मस्तानी बोला जाता है यहाँ का माता, बहुत भाई पता नहीं कैसे ब्लॉग बनाया है कुछ पता नहीं। अरे हमको काहे दिखाता है, पब्लिक को देखना भाई क्या पंडाल मूर्ति ये रिएक्शन,
तो वो नहीं बनाएगा भाई, इवी लड़का बहुत यूनिक है। निकल रहे हैं और अब आ चुके हैं चूड़ी मंडी के पास। देखना भाई यहाँ है क्राउड और प्लस लाइटिंग प्लस पंडाल सब चीज देखना, बहुत तगड़ा है भाई। कुछ अलग देखने को मिलेगा, पंडाल भी देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर माता बैठती है यहाँ पे। माता जय माता रानी, यहाँ पे बहुत एक से एक सीन देखने को मिलेगा। लॉक पे इतना तगड़ा बन रहा है भाई, देसी टाइप का बना है, मतलब कुटिया टाइप है। देख लो पंडाल का लुक है, जो कुटिया टाइप बना हुआ है, कुटिया पहले होता था ना वही। अरे जैसे पहले पूरा कलाकारी जो है मधुबनी पेंटिंग का लग रहा है, कलाकारी बहुत अच्छा। देखो कुर्सी भी बहुत तगड़ा बन रहा है, डेकोरेशन भी बहुत तगड़ा है। कुछ जाने को मिल रहा है क्योंकि भाई ढाई तीन बज रहा है, तो थोड़ा बहुत देती है मेरे को गाड़ी घुसने का मौका नहीं मिलता था यहाँ। ये पंडाल देखो भाई, दोनों साथ ही में बैठता है, यहाँ भारत माता बैठती है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंडिया गेट के तरह। भाई अपना ब्लॉग हम यहाँ पे, तो भाई यहाँ से हम लोग बोरी रोड चौराहा के पास आ चुके हैं और यहाँ से देखना एक से एक पंडाल देखने को मिलेगा और बस अपना ब्लॉग बना रहा है भाई। और शायद लाइटिंग देखो भाई, ये बोरिंग रोड चौराहा का है भाई, बजने ही वाला है कुछ ही देर में, बट थोड़ा ठंड भी लग रहा है। देख लो यहाँ का पंडाल ही है सब, देखना अंदर का। बहुत सुने कि एक बच्चा सब के कपड़ा का एक ही वाला बन रहा है। ए नानी मम्मी को बोल रहे कि और घूमे, मतलब दानापुर में जाएगी, तो मम्मी बोल रही है कि भाई ये जहाँ माने वहाँ ले जाओ, तो बोलिए फिर एक के दिन सब जगह घुमा देगा, कल हम लोग कैसे आएंगे फिर। अगर 3 बज चुका है उसको, एकदम भूख भी लगल है नींद भी है उसके। नहीं यहाँ नॉनवेज आइटम है भाई, क्योंकि प्याज लहसुन की तो हम लोग खाना नहीं है, तो हम लोग का काफिला हाँ राजा बाजार नहीं सॉरी बोरिंग रोड चौराहा। निक हर साल की बात ही, इस साल भी इसका रहता है और इस बार भी जवान पे है, देश के वीर जवानों पे पंडाल बना हुआ है, भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। मूर्ति भी कुछ अलग ही रहता है, बोरिंग रोड चौराहा का बहुत फेमस और यहाँ पे पंडाल भी बहुत तगड़ा है। माता जवान को अपने हाथ मतलब घायल हो गई है तो उसी पे ली हुई है माता। सिनेमैटिक एंजॉय करो भाई, सिनेमैटिक डाल देते हैं यहाँ। भाई यहाँ पे एक टेस्ट हो चुका है।